Hi everyone, my name is Anu. Welcome to this platform that is Crypto Clip Podcast. आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बताने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी ऊर्जा पहले से भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो शुरू करते हैं। हरीश नाम का एक लड़का रहता था। उसे दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में भी हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रेस जरूर पूरी करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब बहुत ज्यादा थकने के बाद वह नीचे गिर पड़ा। उसने फिर खुद से बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को जरूर पूरी करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और अंत में उसने रेस पूरी करी। माना कि वह हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को उसने कभी भी पूरा नहीं किया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत ज्यादा खिंचाव हो चुका था, लेकिन आज वह बहुत खुश था क्योंकि आज वह हार कर भी जीत गया था। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हार कभी नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे अपने आप को बढ़ाते रहना चाहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग आवर पॉडकास्ट।